नमस्कार, मैं हूँ अमिता। अमिताज किचन रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लेफ्ट ओवर राइस से राइस की बड़ी। इसे बनाने के बाद हम सुखा लेते हैं और सुखाने के बाद जो है इसे हम तल में तेल में तल कर इसका उपयोग करते हैं। ये बहुत ही टेस्टी जो है बड़ी बनती है। आप इसे स्टोर करके 1 ईयर तक जो है रख सकते हैं। हमारे घर में हमेशा जो है चावल बच जाता है, तो हमको लगता है कि इसका हम क्या करें, या तो हम फ्राइड राइस बना लेते हैं या और बहुत ढेर सारी चीज़ों में इसका उपयोग कर लेते हैं। लेकिन आप इस समय जो है इसे बनाकर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बड़ी बनती है। तो चलिए हम देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो लेफ्ट ओवर राइस जो है, जो करीब जो है 2 कटोरी है ये मेरे पास, तो उस वह है। इसमें हम डालेंगे जो मसाले वो इस तरह से हैं, 1 छोटा चम्मच जीरा साबुत और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के हिसाब से। अब जब बड़ी जब बन के तैयार हो जाएगी, सूख जाएगी, तब उसको तलने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में तेल चाहिए। तो चलिए हम इसे जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाते हैं तो देखिए मैं इसे बनाकर दिखाती हूँ आपको। जो है ये लेफ्ट ओवर राइस है, इसे हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मैश करेंगे इस तरह से, और इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से, मैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच जो है नमक डाल रही हूँ, और साथ ही इसमें हम 1 पूरा चम्मच जीरा डाल देंगे और 1 लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच। अब हम इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिलाएंगे। ये देखिए, इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि मिर्च, जीरा और नमक अच्छी तरह से मिल जाए। और इसमें किसी तरह से पानी मिलाने की भी आवश्यकता नहीं है। इसे हमें अच्छी तरह से जब मैश करेंगे तो इससे खुद ही मॉइस्चर निकलेगा, जिससे जो है ये बड़ी जो है आपस में जो है बाइंड होकर बनेगी। ये देखिए इस तरह से हम इसे जब मिल गया, तो मिलने के बाद जो है हम इस तरह से, आप चाहे गोल में चाहे ओवल शेप किसी भी शेप में इसे बनाइए, इस तरह से जो है इसकी जो है बड़ी जो है हम तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से, और इसी तरह से मैं एक और जो है बड़ी जो है बनाकर आपको दिखाती हूँ। और जब सारा जो है बड़ी बन जाएगा तो इसे हम धूप में दिखाकर जो है 2 दिन तेज धूप में, ये 2 दिन तक सुखाने से जो है सूख जाता है। फिर उसके बाद जो है आप इसे तलकर जो है टी टाइम में जो है इंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह से हम सारी जो है बड़ी बनाकर रेडी कर लेंगे, और फिर उसके बाद मैं आपको शो कर। आइए अब हम बड़ी को तलना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख ली हूँ और उसमें तेल डालकर इस तेल को मैंने गर्म कर ली हूँ। अब जो मैंने सुखा कर 2 दिन तक जो है, 2 दिन में तेज धूप में ये बड़ी सूखकर तैयार हो जाती है। इसे जो है अब हम इस मैंने पहले से सुखा कर रखी थी बनाकर, अब जो है मैं आपको जो है तल कर इसको दिखाती हूँ। तेल आ चुका है, जैसे ही तेल अभी हल्का सा गर्म है, थोड़ा और गर्म होने देते हैं, तो फिर उसके बाद मैं तलकर इस बड़ी को दिखाती हूँ कि कैसे ये जो है फूली फूली जो है बनती है, और बहुत ही टेस्टी है। इसे बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं। मैं हमेशा घर में जो है इसे बनाकर रखती हूँ। जब भी चावल बचता है तो मैं फ्राइड राइस ना बना के ये बना के रखती हूँ। ये देखिए तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम बड़ी जो है डाल देते हैं। चावल की जो हमने बड़ी बनाकर रखे हैं उसे हम डालेंगे, और ये कैसे देखिए फूलकर तैयार होगी। इसमें ज़्यादा तेल की भी आपको आवश्यकता नहीं होगी, आपके पास जितना भी है कम मात्रा में भी तेल डालकर जो है इसे आप तल सकते हैं। ये देखिए अब मैं इसे निकाल लेती हूँ इस तरह से। ये बहुत ही अच्छी क्रिस्पी और मज़ेदार बनकर तैयार है। इसी तरह से हम जो है सारी बड़ियों को जो है तल लेते हैं। इस तरह से मैं आपको तल के दिखाती हूँ। ये देखिए, और जैसे ही तलेगा उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। ये
जो है फूल जाती है और इसका जो है बहुत ही क्रिस्प जो है ये बनता है। इस तरह से हम सारी बड़ियों को, जितनी भी बड़ी आपको खाना है वो तल लीजिए और उसके बाद में इसे तल कर तैयार कर लीजिए। ये बहुत ही खाने में टेस्टी होती है। अब मैं इसे हटा देती हूँ और इसी तरह से जो है मैं सारी बड़ियाँ जो है तल लूँगी। एक जो है ये देखिए, इसी ये हमारी बड़ी तल कर तैयार है। अब मैं गैस जो है बंद कर देती हूँ और बंद करने के बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी जो है बड़ी जो है बहुत ही टेस्टी जो है बड़ी तल कर तैयार है। और इसी तरह से हम सारी बड़ियाँ तल लेंगे। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। साथ ही मेरे चैनल के नीचे दिए गए लिंक पे जाइए, उसे क्लिक कीजिए और मेरे अमेजोन स्टोर से अपनी मनपसंद चीज़ें परचेस कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।